राज्य मंत्री सुभाष सुधाना ने आज कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम के लिए चलाई बस सेवा को नए बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र निवासियों की बहुत समय से मांग थी कि खाटू श्याम के लिए एक बस चलाई जाए, जिसको देखते हुए यह बस सेवा शुरू की गई है, जो कि सुबह 8:30 से चलकर 4:30 बजे खाटू श्याम पहुंच जाएगी और जिसका किराया मात्र 435 रुपये है। हफ्ते में 3 बार यह बस सेवा चलेगी, इसके बाद और बस चलाई जाएगी। अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो फिर से प्रबंध किए जाएंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह गुजराल की रिपोर्ट। आज बहुत क्षेत्र निवासियों की डिमांड थी कि एक बस खाटू श्याम जाने चाहिए, हमने उसके लिए आज इसकी हरी झंडी दी है। 8:30 बजे यहाँ से चलेगी और 4:30 बजे खाटू श्याम पहुँचेगी, जिसका 435 रुपये किराया है और बहुत ही इजी मिलेगी। और एक बस तो चली है हफ्ते में 3 दिन, कि एक बस और चलाएंगे ताकि 2 बसें चलेगी, उसके बाद भी डिमांड आएगी और बसें भी चलाएंगे। इसके साथ साथ आज लोकल सेक्टर वालों की बड़ी डिमांड थी, एक बस उनके लिए सेक्टरों के लिए हमने चलाई आज बस। तो कितना किराया रहेगा, खासियत क्या रहेगी इस बस की? देखिए 435 रुपये बड़ा नॉर्मल किराया है और 8:30 चलेगी, 4:30 वहाँ पहुँच जाएगी, किसी प्रकार की यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसके पूरे टच में रहेंगे। मैं इसके लिए GM रोडवेज अपना शेर सिंह शेर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने शेर वाला काम कर दिया है। और बड़े अच्छे हमारे GM साहब हैं, ये इनका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और मैं कहूँगा अच्छा है कि एक डिपार्टमेंट तभी चलता है जो आगे उसके अधिकारी का अच्छा इंटरेस्ट हो। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट का पूरे अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।